बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। अमानतुल्लाह खान से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। अमानतुल्लाह के घर के अंदर ईडी की टीम गई, इससे पहले बाहर खड़े थे ईडी के अधिकारी और वो तस्वीर सामने आई थी जब उनसे बातचीत हो रही थी। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनकी अगर कुछ होता है तो मैं आपको कोर्ट लेकर जाऊंगी। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम अंदर पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आप देख पाएंगे, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईडी की टीम फिलहाल अंदर घर के दाखिल हो चुकी है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे वो थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब ईडी की टीम घर के बाहर थी। अमानतुल्लाह खान जब उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे और उस दौरान की वो पूरी बातचीत है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, उनकी जो वाइफ है वो भी उनके साथ वहाँ पर, पत्नी उनकी मौजूद थी, उनकी तरफ से भी थोड़ी सी हॉट टॉक यहाँ पर हो रही थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम अंदर पहुंच चुकी है घर के और अब उनसे पूछताछ हो रही है। सुरेश शाह हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? लगातार इससे पहले भी पूछताछ हुई थी और जिस तरीके से अमानतुल्लाह के घर आज बात फिर से पहुंची है तो कहीं ना कहीं ईडी कुछ और चीज की तलाश में है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ईडी मुख्यालय में इनको तलब किया गया था और देर रात तक इनको बिठा के रखा गया था। उस समय इन्होंने भी आप पार्टी के लोगों ने काफी हाइप किया था कि अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी तक सीबीआई जो सूत्रों की अगर माने, ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों का यही कहना है कि अभी इनसे पूछताछ करने के लिए टीम पहुंची है, कुछ चीजें हमें इनसे पूछताछ करनी है, कुछ चीजें इनसे देखनी है, तो इन तमाम चीजों के लिए भी ईडी की टीम जो है पहुंची हुई है। जी, क्योंकि सुरेश जब इसके पहले भी आपने जिक्र किया कि जब पूछताछ हुई थी और उस दौरान अमानतुल्लाह के जो करीबी थे, जो रिश्तेदार थे, उन वो भी इस रडार पर आए थे, उनसे भी पूछताछ हुई थी और कुछ कैश भी उनसे बरामद हुआ था उस टाइम पर, तो क्या अब जब आज ईडी की टीम इनसे पूछताछ कर रही है तो अमानतुल्लाह के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई शुरू हुई है, धनशोधन के मामले कार्रवाई शुरू हुई है और ईडी का जो आरोप है कि इन्होंने जो वक्फ बोर्ड में जो भर्ती हुई थी उस और जो खरीदारी हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर घपला किया गया था। उन्हीं सबको लेके पहले भी इनके जो करीबी थे, जो इनके साथ के लोग थे, जो इनके नजदीकी थे, उनके भी ईडी की रेड हुई थी और एक बार ईडी आज फिर से पहुंची है और जांच कर रही है और यकीनन है कि अगर कुछ निकल के आता है तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है अमानतुल्लाह के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन एक अमानतुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया, आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मुझे जबरन परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबरन मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। 2016 का जिक्र किया कि 2016 से मुकदमा चल रहा है, पूरे तरीके से फर्जी वो मुकदमा है। लेकिन अगर ईडी की टीम पहुंची है तो कुछ ना कुछ इनपुट्स तो जरूर हाथ लगे होंगे, तभी ईडी की टीम पहुंची और तभी पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, अमानतुल्लाह के खिलाफ ईडी के पास पहले भी कार्रवाई हुई थी, आपको याद होगा कि इनके घर से गन भी बरामद हुए थे और कैश बरामद हुआ था, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ है, तभी जांच शुरू हुई है। लेकिन अमानतुल्लाह के बता दें कि पहले भी वो ईडी पे लगातार आरोप लगाते रहे कि उनको तंग किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दें कि नोएडा में इनकी जो इनके बेटे ने और इन्होंने जो मारपीट भी की थी उस मामले में भी आरोपी थे, फरार हो गए थे। अब समझिए कि उस दौरान नोएडा पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, उस समय इन्होंने ये कहा था उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई शुरू हुई, ईडी इसमें जो तमाम खगालेगी और जिसके अंदर ईडी को जो चीज चाहिए होगी वो सब पूछताछ की जाएगी। तमाम चीजें पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम एक बार फिर से जो है अमानतुल्लाह के घर पहुंची है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई रिएक्शन अगर इसमें सामने आया हो तो? देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से यही कहना है कि सरकार की तरफ से उनको लगातार परेशान किया जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अमानतुल्लाह हो। अभी तक की जो कार्रवाई में ईडी को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और उनका ये भी यही कहना है कि परेशान किया जा रहा है, परेशान की नियत से ये सारा कुछ किया जा रहा है। जी आज सुरेश, जिस तरीके से भी आपने जानकारी भी दी, क्योंकि कई सारे आरोप हैं, एक तो आरोप यह है कि 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती की गई, इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को इन्होंने किराए पर भी दिया है, तो कहीं ना कहीं कोई इनपुट्स हैं और कहीं ना कहीं तभी थोड़े डरे हुए भी नजर आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान। देखिए, अमानतुल्लाह के बता रहे हैं कि ये शुरू से विवादों में रहे हैं और इनका विवादों से अच्छा खासा नाता रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो। सीबीआई ने भी जब जांच शुरू की थी तब भी इन्होंने आरोप लगाया था, ईडी की जांच जब चल रही तब भी आरोप लगा रहे हैं और खासकर जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो कुछ घपलेबाजी हुई थी, जो खरीदारी हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बड़े पैमाने पर घपला किया गया था और उन्हीं सबको लेके ईडी लगातार इन पे शिकंजा कसती जा रही है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाएगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वही देखिए, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करने आई है ईडी की टीम, मुझ पर एफआईआर कई दर्ज हो चुकी है,
मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, इनका मकसद है हम लोगों को तोड़ना। हालांकि उस वीडियो में कहते हुए वो नजर भी आ रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं टूटने वाला नहीं हूं। तो ये बड़ी जानकारी और दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। पहली तस्वीर है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, पूछताछ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख पाएंगे वो तस्वीर थोड़े से पहले की है, जब ईडी की टीम पहुंची थी, घर के बाहर ईडी की टीम थी और अमानतुल्ला खान और उनकी पत्नी जब घर के अंदर थी, उनसे जब बातचीत हो रही थी, वो ये वीडियो है। लेकिन अब जमकर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, संजय सिंह इसमें सामने आए। संजय सिंह का कहना है कि ईडी की निर्दयता देखिए, अमानतुल्ला खान पहले ईडी की जांच में शामिल हुए तो उनसे आगे के लिए समय मांगा, उनकी सासू मां को कैंसर, उनका ऑपरेशन हुआ है और घर पर सुबह सुबह धावा बोलने के लिए ईडी की टीम पहुंच गई है। ये संजय सिंह का कहना है आम आदमी पार्टी से।